याद तो तेरा भाई। Happy birthday to you, sorry, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday Gaurav की कहानी, happy birthday to me। So hey guys, ये है मेरा birthday vlog और आज मैं मिलवाता हूँ आपको एक नए गौरव से। So hey guys, it's Gaurav, thank you so much मेरे Instagram पे और YouTube पे इतने ज़्यादा followers और subscribers complete करवाने के लिए। आप लोगों ने starting से लेके अब तक मेरा बहुत साथ दिया है और एक साल में मेरे इतने ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया है तुम लोगों ने। यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आज मेरा बर्थडे आने वाला है, लाइक 2 मिनट बचे हैं। थैंक यू सो मच और मैं ये बर्थडे आप लोगों के साथ मनाना चाहता हूँ। देखते हैं कैसा मेरा बर्थडे जाएगा। बाय द वे, आपको मैं अपना पूरा व्लॉग दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि मेरा बर्थडे कैसा जाएगा, तो अपने बारे में हर चीज़ बताऊंगा। कल का मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा, पार्टी वगैरह, मैं तुम्हें सब अपने व्लॉग में दिखाऊंगा कौन है। और मैं तुम्हें किसी पर्दे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ये वाला सीन स्क्रिप्टेड है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे पूरे साल मुझे अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटीज हद से ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं अपना बर्थडे बेस्ट से बेस्ट मानता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये है सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स करोतिया एंड कपूर फैमिली। तो यहाँ से होती है हमारे बर्थडे की शुरुआत। ज़िंदगी हमें बहुत चीज़ें सिखाती है, सुख और दुख में रहना सिखाती है, लेकिन खुश हमेशा वही रहता है जो दुख को इग्नोर करके सुख में रहना सीखे। और यही सीखा है मैंने अपनी ज़िंदगी से, चाहे मेरी ज़िंदगी में 10,000 लोग हों या फिर एक भी ना हो, मुझे हमेशा खुश ही रहना है। इसलिए चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नीम की पत्ती कड़वी मेरी एक्स भड़वी। और ये आया मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो रामलीला में मेघनाथ का रोल करता है। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको खाने के बाद हाजमोला चाहिए ही चाहिए होती है। छोटी सी दुनिया है, जितनी खुशियाँ मिल सके उन्हें बटोर लो। ऐसी पार्टी इनसे रोल ले लूं यार। एकदम बीच का दांत टूटा पड़ा है, मुंह खोला नहीं जा रहा है, बोला जा नहीं रहा है और इन्हें पार्टी चाहिए। हमारी पार्टी हो रही है, ये खा रहा है बैठ के। इसके पास अपनी कोई सिम विम है नहीं, फोन वोन है नहीं, घर वालों को कोई आता ना पता, इसका यहाँ पे बैठ के केक खा रहा है। वो भी दो दो फ्लेवर के केक खा रहा है, दांत में भी फंसा है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। एक्चुअली माई फैमिली इज अ बिट स्ट्रिक्ट, सो आई एम नॉट अलाउड टू हैंग आउट आफ्टर 10 PM, इसलिए इनका 35 रुपये का रसगुल्ला खा के मैं निकल गया अपने घर की ओर। एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि माई फैमिली डजेंट लाइक दिस पार्टीज एंड ऑल, इवन सो दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, लेकिन मैं ठहरा दिल टूटा शायर, इसलिए मैं हर वो काम कर लेता हूँ जो मुझे खुशियाँ देता है। लिटरली अपनी लाइफ में ना कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहता मैं। तो यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है। नहा धो के मैं निकल जाता हूँ मिठाई लेने अश्मिता के साथ। इसलिए अपने बर्थडे की शुरुआत करेंगे हम बहुत सुंदर तरीके से मंदिर जाकर। लिटरली एक छोटी सी बात बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, भगवान और इन चमत्कारों में मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है। मे बी मेरी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन मैंने पूजा न करी हो, और ना सिर्फ तन से इवन मैं मन से भी भगवान को बहुत मानता हूँ। मैं रहता हूँ दिल्ली के सागरपुर में, और सागरपुर में ये वाला मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हम हर हफ्ते ट्यूज़डे को CP में कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि ट्यूसडे नहीं था इसलिए हम यहाँ पे आ गए। भगवान मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, वो मेरा हर दुख में साथ देते हैं, तो सुख में मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। इस बार मेरी ख्वाहिश थी कि अगर भगवान जी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे बर्थडे से पहले पूरे करवा देते हैं तो मैं एक बहुत अच्छी पार्टी करूँगा, और भगवान जी ने मेरी सुन ली थी, इसलिए आज एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। अब मैं तुम्हें एक छोटी से चमत्कार के बारे में बताता हूँ कि लाइक लास्ट बर्थडे पे, मतलब पिछले साल के बर्थडे पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, एग्जैक्ट मेरे बर्थडे वाले ही दिन। और इस साल भी मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे, तो ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। और ये है बिल्ली चोर, इसे जहाँ भी कुत्ते और बिल्ली दिखते हैं ये वहाँ लग जाती है उनको प्यार करने। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊँगा। तो बिल्ली की बेस्ट विशेष लेने के बाद हम निकल गए हैं पेट्रोल भरवाने। वैसे ये जगह टिकटॉकर्स का बसेरा है जो है दिल्ली हाट। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग तरह के अजीब अजीब प्राणी दिखेंगे। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी आने वाली क्लिप्स जो अब आएंगी वीडियो में, उन क्लिप्स की वजह से मुझे जज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आई डोंट नो वाई पीपल आर सो जजमेंटल। लाइक इफ आई मेक वीडियोज फॉर गर्ल्स, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन फॉर बॉयज, इवन फॉर LGBTQ कम्युनिटी, लाइक आई मेक वीडियोज फॉर एवरी कम्युनिटी, बट मोस्ट ऑफ माई वीडियोज बेस्ड ऑन गर्ल्स जस्टिस।
Still, that doesn't mean I cannot hang out with my friends. I cannot make girl a friend. और इसमें मैं बहुत तो ही गाइस, आज मेरा बर्थडे है और सुबह सुबह मुझे गिफ्ट मिल गया। अभी हम जस्ट मंदिर से होके आ रहे हैं और मेरी जीन्स पे ये देखो, पिछले हफ्ते मैं अपने लिए जीन्स लेके आया था और लिटरली ये जीन्स मेरी फेवरेट बन चुकी थी, लेकिन कल ही मैंने इस पे इंक गिरा दी। और अब देखते हैं आज से, मतलब अभी से मेरा आज से हो गया है। अब देखते हैं क्या करना है मेरे साथ। अच्छी लगा, अपनी भी शक्ल दिखाओ। मैं अच्छी नहीं लग रही यार। अरे ऐसे करना, ऐसे अश्मिता। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर रेडी होने। ये नहीं आ रही, इसको नहीं बुलाया किसी को, जा नहीं रही, नहीं आ रही, बताओ हमारे दर्शकों को। गाइस मैं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि आज मेरी बहन का बर्थडे, हमारे घर पे पूजा है, फैमिली फंक्शन है, गेट टुगेदर है, यू नो, नहीं आ सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये नॉर्मल डेज में इतनी सुंदर लगती है, लेकिन मेरे व्लॉग में आते ही इसकी शक्ल इतनी बुरी हो गई ना, मैं बता नहीं सकता। कोई मुझे क्या ही सोना चांदी देगा, इसलिए अपने बर्थडे पे मैं खुद ही अपने लिए चैन खरीदने के लिए आ गया। वैसे तो मेरे पापा मुझे गले में या फिर हाथ में या फिर कहीं भी कोई एक्सेसरीज पहनने नहीं देते, लेकिन आज क्योंकि मेरा बर्थडे था इसलिए मैं ले ही लेता हूं। और मुझे आज बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करने कहां जाएं कहां जाएं, पर वैसे मेरा पार्टीज करने के लिए एक वेन्यू फिक्स ही रहता है जो होता है पंजाबी बाग, लेकिन पंजाबी बाग के भी कौन से क्लब या फिर कैफे में जाएं। पर क्योंकि ये मेरा बर्थडे था इसलिए मुझे बेस्ट ही सेलेक्ट करना था, इसलिए मैंने चूज किया था डो। कुछ खास दोस्तों को लेकर मैं निकल गया अपना दिन बनाने, बाकियों को मैंने कह दिया कि मुझे वहीं पे मिल जाना। और ये है सीता और मेरे आगे बैठी है गीता। इनकी कहानी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लोग कहते हैं कि कॉलेज में आके लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन शायद सच ही कहते हैं लोग। मेरी एक खास बात बताता हूँ तुम्हें कि मैं अच्छी हो या बुरी कोई भी चीज जल्दी से अडॉप्ट कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे कॉलेज में ऐसा कोई पार्टी वार्टी वाला सिस्टम था नहीं, मेरा था रामलाल आनंद कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरी क्लास के बच्चे इतने अजीब से थे ना, लिटरली मेरा एक भी दोस्त नहीं बन पाया। और अब क्योंकि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है इसलिए कमबैक के कोई चांस भी नहीं, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मजे ही मजे किए हैं। 12th क्लास तक मैंने अपनी लाइफ में कभी क्लब की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 12 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में बिता दिए थे, इसलिए मैं क्लास का टॉपर भी था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद तो ये सब चलता है ना। सो हे गाइस, हम जा रहे हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गोरे गोरे होके। आपको हम थोड़ी सी गलत फहमी होगी, हम इतने गोरे नहीं है, एक्चुअल में एक्चुअली फिल्टर है। अब हम आगे का व्लॉग आपको दिखाएंगे कि हम सब रूम में जा रहे हैं वैसे आज। और ये है रिया, ये है गुंजन और ये है शनाया। आई नो तुम्हें इन क्लिप्स में मैं अपनी बाकी नॉर्मल वीडियो से और रील से अलग लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा अलग लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपनी ये वाली लाइफ पोस्ट ही नहीं करी। और ऑफ कोर्स मेरी रील्स कुछ ऐसी होती है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, एक मोटिवेशन देती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जज करें। लेकिन मेरा बड़ा मन था अपना बर्थडे का व्लॉग पोस्ट करने का, इसलिए मैंने कर ही दिया। अभी तुम्हारा फर्ज है कि मुझे प्लीज जज मत करना और सिर्फ इस व्लॉग को एंजॉय करना। जहाँ तक रही बात इन लड़कियों के कपड़ों की, तो उनका पूरा पूरा हक है अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने का, क्योंकि जिंदगी के कभी कभी मजे ले ही लेने चाहिए। और फाइनली हम अपने वेन्यू पे पहुंच चुके हैं द डूम। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी करवा चुके थे, इसलिए हम चलते हैं सीधा ऊपर। था मेरे बर्थडे व्लॉग का फर्स्ट पार्ट। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन आगे बहुत मजा आने वाला है, प्लीज स्किप मत करना। आगे मैं सुनाऊंगा तुम्हें सीता और गीता की कहानी, कैसे ये दुश्मन से दोस्त बन गए और कैसे लास्ट में बिल को देखकर मेरे अलग। मेरे बर्थडे पे टोटल 15 लोग आए थे जिसमें 4 लड़कियां ऑन कैमरा नहीं आना चाहती, बाकी 2 को नाचना नहीं आता और उसके अलावा 2 ट्रैफिक में फंसी हुई है। व्लॉग का सेकंड पार्ट तुम्हें ऊपर दिख जाएगा, इस पे क्लिक करते ही तुम्हें वीडियो का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से बिना देर करते हुए चलते हैं अपने मेन पार्ट की ओर। हराम का खाते यहाँ पे टेरिस में मजे।